नमस्कार, स्वागत है आपका मुठभेड़ न्यूज राजस्थान पर। मैं हूँ कुशल सिंह की आवाज। तो चलिए डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर नजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजसमंद जिले के देवगढ़ प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने देवगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 300 बीघा में विकसित की गई गुरु सौभाग्य मदन गौशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री बीडी कल्ला, डॉक्टर रघु शर्मा, उदयलाल आंजना और बवर सिंह पार्टी के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। गौशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौ माता की पूजा कर उन्हें गुरु खिलाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि गौ रक्षा और गौ संरक्षण को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के भामाशाहों और गौ संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते सरकार ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गौ सेवा के अवसर इस काम के लिए वो आज आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को विश्वास दिलाया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को एक स्थान पर अधिक संख्या में जमा नहीं होने की और यात्रा नहीं करने की अपील की है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी राजनीति से परे जाकर प्रदेश सरकार की ओर से गोरक्षण को लेकर किए जाए कार्य की सराहना की। देवगढ़ प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीम देवगढ़ कस्बों के लिए करीब आधा दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवगढ़ के बगड़ में विकसित होने वाले औद्योगिक रिको औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज का दिन भीम देवगढ़ के लिए बेहद खास है और इस क्षेत्र में अब विकास की नई धारा बहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को विश्वास दिलाया कि चुनाव से पहले जो वादे आपसे किए थे सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में देवगढ़ के लिए जल्द ही चंबल का पानी लाने के लिए DPR पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर अग्रसर है।